फ्रेंड्स, मैं कोमल आपका कोमल्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस सी पेंसिल मिठाई। आपने हमेशा पेंसिल का यूज तो कॉपी में किया है, लेकिन अब आप खाएंगे पेंसिल मिठाई और आप देखें कितनी यम्मी और डिलीशियस सी मिठाई लग रही है ना। इसी तरीके की मिठाई आज हम अपने घर पे बनाने वाले हैं और मात्र 10 मिनट में और बहुत ही कम खर्चे में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, और बहुत अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर करें। मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध पाउडर। खोवे में बहुत त्योहारों में मिलावट आती है, इसलिए हम आज बना रहे हैं दूध पाउडर से मिठाई। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप शक्कर। शक्कर आप मीठा कम ज्यादा अपनी पसंद से डाल सकते हैं, मैंने इसमें 1/2 कप डाला है। 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे घी। घी की जगह आप तेल का भी यूज कर सकते हैं, डालडा का भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, चाहें तो हम स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप दूध डाल रहे हैं और सारी चीजों को हमें नीचे मिक्स कर देना है। नीचे मिक्स करने से आपका ये फायदा होगा कि आपका गैस भी कम लगेगा, आपकी मेहनत भी कम लगेगी। मेहनत कम लगेगी तो हमारी मिठाई झट से बनके तैयार हो जाएगी। इसे अच्छे से पूरा मिक्स कर देंगे। जब नीचे मिक्स हो जाता है तो हमारा गैस भी बच जाता है और समय दोनों चीज की बचत हो जाती है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कलर, ये येलो फूड कलर है जिससे मैंने दूध में घोल के रखा था, वो अच्छे से वो घुल चुका है। अब हमें इसे मिक्स कर देना है। आप चाहें तो लिक्विड कलर भी यूज कर सकते हैं, और यदि आप पास ड्राई कलर है तो आप उसे दूध में अच्छे से घोल दीजिए ताकि उसके कोई कलर के लम्स हमारी मिठाई के अंदर लग ना जाए। यदि मिठाई में लम्स रह जाएगा तो कहीं कहीं से हमारी मिठाई डार्क और कहीं से हमारी मिठाई लाइट बनेगी। और देखिए सारी चीजें अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। यदि आप इसमें केसर भी डालना चाहें येलो कलर की जगह, तो आप केसर को भी डाल सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई। अब हमें फ्लेम पे रख देना है। गैस पे मैंने पैन रख लिया है और पैन हमारा गर्म हो रहा है। जैसे हमें कंटिन्यू इसे चलाते रहना है, इसे कंटिन्यू चलाइएगा नहीं तो नीचे से तलवे पे बैठने लगेगा। और आंच को मीडियम फ्लेम पे रखना है, हमें हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है कंटिन्यू आप ऐसे ही घुमाते रहिए साइड से, फिर स्पैचुला या चम्मच से उतारते हुए, और हमें चम्मच को चलाता है चलाते जाना है। अब इसे देखिए, मात्र मैंने इसे 2 मिनट ही कंटिन्यू चलाया और हमारा डो ठीक होने लगा। इसी तरह से हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। फ्लेम को हमें कम आंच पे रखना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, आंच हमें तेज नहीं करनी है। तेज आंच पे हमारा डो डार्क भी हो जाएगा और नीचे से जलने लगेगा। और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहिए और डो को और ठीक करने दीजिए। जब डो ठीक हो जाएगा तो आपका जो बर्तन है वो क्लीन हो जाएगा। उसके स्पीड से हमें कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहना है। ना ही ठीक हमें ज्यादा सूखा नहीं करना है, नहीं तो हमारी मिठाई ड्राई लगेगी। हमें इतना ठीक करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है। और आप देखिए स्पैचुला से जब हम हटा रहे हैं तो हमारा बर्तन क्लीन हो गया, मतलब हमारा डो बन के तैयार हो गया। अब इस डो को हमें रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर देना है। हमारा जो डो है वो अच्छे से टाइट हो गया है। इसे 1 घंटे के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा और आप देखिए जैसे ही हमारा डो ठंडा हुआ, डो हमारा टाइट हो गया। अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, ज्यादा बड़ी नहीं बनाना है क्योंकि हमें पेंसिल बनाना है। पेंसिल बनाने के लिए हमें इस डो के मैंने 6 से 7 पेड़े बनाने हैं। एक एक पेड़ा लेना है और हमें इस पैन को हटा देना है। हमें दोनों हाथों से इसे रोल करते जाना है, हल्के हल्के हाथों से करना है। ना हमें हाथों में घी तेल कुछ भी नहीं लगाना है, और हमें फिर भी इसका रोल बनाना है। हाथ से मसलते हुए रोल बनाइएगा ताकि हमारी मिठाई में क्रेक ना आने चाहिए। इसे हाथों से हल्के हाथों से चलाया, जहां से आपको लगे मोटा है वहां से आप अपने फिंगर से इसे सेट कर सकते हैं। आपने देखा मैंने इतना लंबा रोल बनाया, ऐसे करके मुझे सारे रोल बनाने हैं। मैंने ये बटर पेपर लिया है, मैंने हल्के हाथों से इस रोल को बटर पेपर में रखना है। और आप देखिए हाथों से हल्के हाथों से इसे टाइट से हमें रोल कर देना है। हम टाइट रोल करेंगे तभी हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो पाएगी।
ऐसे करके मैं सारे रोल तैयार मैंने सारे रोल बना के तैयार कर दिए। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे। एक एक रोल को खोल दिया है और उसे हमें एक्स्ट्रा के कोने हैं उसे काट देना है ताकि हमारी मिठाई इक्वल दिखे, क्योंकि हम राउंड बनाते हैं तब हमारे कोने निकल आते हैं। अब अपनी साइज है, आप छोटी बड़ी साइज ले सकते हैं, आप अपने फिंगर से मेजर कर लीजिए। तो मैं इस फिंगर से मेजर कर ले रही हूँ। एक मेजर करने के बाद उसी ही साइज के हमें काटते जाना है। ऐसे करके मुझे सारे काटते हुए जाना है। और आप देख सकते हैं हमारे पेंसिल रोल बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही अच्छी मिठाई बनके तैयार हो गई है। आप भी अपने इस घर पे इसे ट्राई कीजिए। अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल्स किचन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप तक हम जल्द से जल्द पहुंचा सकें।